पता बता पाएंगे? भैया ये पता बताएंगे? हाँ चलिए बैठे बैठे बैठे। नहीं नहीं जाना नहीं है। हाँ ये पता, मुंशी चौक गली नंबर 5, ये तो वहाँ है। और दली बाजार बहुत दूर है भैया, चलिए छोड़ देते हैं। आइए बैठिए भैया, जाना नहीं है। हाँ बड़ा उलझा हुआ शहर है भैया आपका, बाहर वाला तो घूम ही जाए। वैसे कहाँ से हैं आप? मोतिहारी। अच्छा आप भी बिहार से हैं? का आप भी हैं का? अरे इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, पर आपके बिहार से बड़ी महान हस्तियां हुई हैं, भगवान बुद्ध, जेपी बाबू, राजेंद्र बाबू, बिस्मिल्ला खान, और आपके मोतिहारी में तो जॉर्ज ऑरवेल पैदा हुए थे। हैं? अरे 1984, एनिमल फार्म जैसी किताबों के लेखक, पढ़ी हैं आपने? मैं बताता हूँ, पहले उन्होंने एनिमल फार्म लिखी, नोवेला फॉर्म में थी, नोवेला समझते हैं? देखिए मैं भी कहाँ अपनी बातों में लग गया, आप बताइए कुछ अपने बारे में, घर में कौन कौन है? गांव की हवा तो बड़ी जोरदार होगी है ना भैया। हाँ चलेंगे चलेंगे, बैठे बैठे। अरे यार फोटो नहीं दिख रहा, चलो ना। पता नहीं और कितना चलना पड़ेगा, आ जाएगा ऑटो, रुको थोड़ा। मैंने बोला था ना कि ऑटो वहां से ले लो, एक भी ऑटो दिखाई दे रहा है यहाँ? अरे यार मुझे क्या पता था कि यहाँ से ऑटो नहीं मिलेगा, यहाँ देर देर से ही आते हैं रिक्शा। दीदी कहाँ जाना है आपको? शिवपुर जाना था मम्मी। बिटिया की शादी की खरीदारी करके आ रही है? नहीं नहीं वो अरे... तो इसकी बुआ की। अरे चलो चल के आगे देखते हैं, ऑटो इधर तो मिल नहीं रहा है, चलो आगे देखते हैं। अरे यार किसी से भी बात करना शुरू कर देती हो तुम। रिक्शा नहीं मिल रहा है तो चिड़चिड़ मत कर, तेरी ही गलती है सब। माँ को ही डांट दिया लड़की ने, बताओ। वैसे उसकी भी गलती नहीं है, टाइम ही ऐसा चल रहा है, अनजान लोगों पर भरोसा भी तो नहीं कर सकते। अब की बार मसूर की दाल लेकर आऊंगा, खड़े मसालों के साथ एकदम मटन जैसा स्वाद आता है। अनाथ आश्रम वाले सर इसीलिए तो नहीं खाते थे मसूर, ये तामसिक है। बस हम बेचारे बच्चों के फल फ्रूट सब खा जाते थे, वो सात्विक होते थे ना।
भाई साहब, ये एड्रेस बता देंगे क्या? ये एड्रेस? अरे भाऊ कुछ नहीं हो रहा, ये तो गोदालियर का एड्रेस है, ये तो बस अड्डा है। अच्छा तो फिर उधर कैसे जाना है? बस, रिक्शा, जो भी हो। वैसे कहाँ से हो? मैं बस यहीं बाहर से। आप कहाँ से हैं? अपन तो सांगली से। अच्छा, महाराष्ट्र? हाँ। कमाल है, महाराष्ट्र के होके भी आपको यहाँ के बारे में काफी मालूम है। हर साल दर्शन करने आते हैं महादेव बाबा का। अकेले ही? नहीं नहीं, फैमिली है, आ रही है ना। वैसे आपका काम काज क्या है? मैं रिटायर हो गया। अरे वाह, लगते नहीं हो इतनी उम्र आपकी। नहीं नहीं, वो केमिकल फैक्ट्री में काम करता था, तो सांस की दिक्कत की वजह से जल्दी रिटायर कर दिया। अच्छा, और फैमिली वगैरह? फैमिली मैं ही हूँ। अरे वाह, बढ़िया है, आराम का लाइफ, किसी के रोक टोक नहीं। ये देखिए, बेमौसम की बारिश ने सब कीचड़ कीचड़ कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन की लहरें फट रही हैं। सला, आलो आलो, चलते हैं। अच्छा जी। सुनो, सांगली आओगे तो मिलके जाना। जरूर, आपका फोन। अच्छा लगा बातें करके। बेटा नहीं आता तो थोड़ी और बातें हो जाती। वैसे फैमिली होना इतना जरूरी भी नहीं है, वो आदमी भी तो कह रहा था अपनी मर्जी के मालिक, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। चिकन भी अच्छा दिया इस बार। अच्छा बना था, पर तो साई थोड़ी कम किया करो भाई साहब, कम किया करो। पिछली बार कब बनाया था इतना अच्छा? वो फैमिली आई थी बनारस घूमने, खूब बातें की थी, चाय भी पिलाई थी। फैमिली होना इतना बुरा भी नहीं है वैसे। देखो, इस पते के बारे में कुछ मालूम होता है?
काफी देर से ढूंढ रहा हूँ मैं। पता नहीं अंकल, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है ये एड्रेस। ये जगह तुम्हारे कॉलेज के आसपास हो शायद, पता है कुछ? लेट हो रहे हैं। सॉरी अंकल, फिल्म शुरू हो जाएगी यार, पीछे बैठना पड़ेगा जाकर। पता अगर कुछ बता पाते तो। ऑटो, ऑटो अंकल, आप ये ऑटो वाले भैया से पूछ लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। भैया हाँ? ये जो एड्रेस है आप वो अंकल को बता दीजिए, और थोड़ा जल्दी करो भैया। क्या भैया, वो दिन काशी में महादेव ढूंढ रहे थे, आज महादेव में काशी है? सुना उन्होंने स्कैम स्कैम चल रहा है क्या? अरे बताओ ना, हम भी पैसा कमा ले थोड़ा, बता दो। अरे सुनो तो। चलो भैया चलो, लेट हो रहा है। अबे सच बोल रहा हूँ यार। अरे चल बे। हेलो, बस पहुंच गए, पांच मिनट, सिर्फ पांच मिनट। रुक, क्या हुआ? चिपको अंकल बैठे हैं भैया। अगर इनको बाइक से उतारने गए ना तो एक घंटा खा जाएंगे। पैदल चले। अबे इधर से भाई। यार ये अंकल इतनी बातें कर कैसे लेते मुंह से? इतनी ज्यादा बातें भी तो नहीं करता मैं। अब लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातचीत तो होती है, एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं। ये आजकल की जनरेशन भी ना, बस अपने में ही रहना है, दूसरे की फिक्र नहीं। आया आया। प्रणाम अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते अंकल, ये कॉलोनी के फंक्शन के लिए चंदा चाहिए था। हाँ आओ आओ अंकल, बाकी के घर भी जाना है, लेट हो जाएगा। अरे चाय पीकर जाना, थक गए होगे, घर घर घूम के आओ। चाय पी चुके अंकल, थोड़ा निकलना था। अरे बेटा पांच मिनट लगेगा है, अपने लिए बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूंगा है, आओ। अंकल 500 का छुट्टा होगा अपने पास? होगा तो निकालना पड़ेगा। आप निकाल के रखिए, हम बाकी के घर होके आते हैं, क्यों? बस पांच मिनट अंकल, आते हैं हम लोग। ठीक है, मैं चाय बनाकर रखूंगा। पक्का, बस पांच मिनट में। अबे चल, मिल रही कॉफी पिएगा? हाँ बिल्कुल, फ्री की कॉफी मिल रही है ना यार। फ्री की कॉफी मुझे नहीं पीने लगी। चल ज्यादा चिपकुटे बातें नहीं करनी है। और कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? अच्छा नहीं नहीं अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। क्या सब्जेक्ट्स हैं? नाइस नाइस नाइस। मेरा? अरे मेरे सब्जेक्ट्स बच्चे हैं, भूल गए होंगे मस्ती में। वैसे भी इस उम्र में कहां ध्यान रहता है।
पर थोड़ा ध्यान तो रख ही सकते हैं ना। तुझे कितने नंबर मिले? अरे मैं तो कुछ भी लिख लूँ, कम ही नंबर मिलते हैं। बच्चों हाँ? सुनो, ये पता मालूम है? अरे ये कैसा सा एड्रेस है? गुन्नू कौन है ये और क्या बोल रहा है? पता नहीं कौन है, एड्रेस पूछ रहे हैं। दिखाओ, ये कैसा एड्रेस है? हाँ छोटी बच्ची देख के फंसा रहे हो? नहीं नहीं, मैं खाली पता पूछ रहा था और कुछ नहीं। क्या हुआ मैडम? अरे छोटी सी बच्ची पे नजर डाल रही है बुड्ढा। नहीं नहीं भाई साहब, मैं खाली इनसे पता पूछ रहा था। कावे कैसा एड्रेस दिखाओ हमको। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, जाने दीजिए। देख रहे हो अबे, ये पुलिस स्टेशन का एड्रेस है समझे, लेके चले तुम्हें। अरे नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ गलत समझ रहे हैं बे। है तेरे जैसा, ले चलो उसको थाने ले। मैं खाली पता पूछ रहा हूँ इनसे। यहीं कूट दो इसको, मारो साले को। ए सुन, तेरे इसे बहुत देखे। Thank you.
ये तो मेरे घर के पास का पता है। यहाँ जाना है आप? यहाँ छोड़ दूँ? ये काशी है, यहाँ बहुत से लोग बहुत कुछ ढूंढने आते हैं। मैं उन्हीं की मदद कर देता हूँ। कब से अकेले हैं? भागती दौड़ती भीड़ में अपनी पहचान ढूंढते हैं, शहर के परिंदे आसमान ढूंढते हैं। लोग तो बहुत हैं यहाँ रोज के मिलने वाले, बातें करने को बस एक इंसान ढूंढते हैं। ये शोर खा जाता है अपनी खुद की आवाज, मैं और हम साथ बैठने को शमशान ढूंढते हैं। ऐशो आराम की कमी नहीं है घर में, चैन से सोने को बस थोड़ी सी थकान ढूंढते हैं। भागती दौड़ती भीड़ में अपनी पहचान ढूंढते हैं, शहर के परिंदे आसमान ढूंढते हैं।